हो चुका है महंगा 2004 वाला कलकत्ता मिन का कॉइन्स 5 रुपया हो या 2 रुपया हो। कॉइन्स की प्राइस जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइनमास्टर एमडी में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 2004 वाला जो 2 रुपये का कॉइन्स है और 5 रुपये का कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में। तो आप लोग का पास भी 2004 वाला ये दोनों कॉइन्स है, 5 रुपया हो या 2 रुपया, तो आपको देखना है कलकत्ता मिन का। तो आज मैं सिर्फ कलकत्ता मिन का ही आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का पास भी 2004 का 2 रुपये का कॉइन्स हो या 5 रुपये का कॉइन्स हो, कलकत्ता मिन का है, तो दोस्तों ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो बात करेंगे 2004 का जो ये 2 रुपये का कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा जो 2 रुपये का कॉइन्स है नेशनल इंटीग्रेशन का, तो ऐसा 2 रुपये का कॉइन्स को डाला गया था 1992 से लेकर 2004 तक। तो दोस्तों, ये मेरे पास कलकत्ता मिन का है दोनों कॉइन्स, ये देखिए 2004 का कलकत्ता मिन का कॉइन्स है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी ये कलकत्ता मिन का कॉइन्स है, तो जानिए इस कॉइन्स का आज की डेट में प्राइस क्या है। तो इस कॉइन्स का मेटल की बात करें तो ये दोस्तों कॉपर निकल मेटल है, वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, सेव है 11 साइड। तो दोस्तों, ये है कॉइन्स का ओवर साइड, ये देखिए, तो ये दोस्तों रिवर्स साइड। तो दोस्तों, 2004 में इस कॉइन्स को भारत का 4 मिंट से डाला गया था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सिर्फ कलकत्ता मिंट का ही कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कलकत्ता मिंट का है, तो कलकत्ता मिंट कॉइन्स का प्राइस है 500 से 2000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 2004 वाला जो कलकत्ता मिंट का कॉइन्स है, इस कॉइन्स का प्राइस आज की डेट में 500 से 2000 रुपये तक हो गया है। फाइन कंडीशन में 500 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 2000 रुपीज़। 2004 कलकत्ता मिन 2 रुपया कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कलकत्ता मिन का 2 रुपये का ये कॉइन्स है, तो इस कॉइन्स को संभल के रखिए, आगे जाके ये कॉइन्स और भी ज़्यादा प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों, बात करेंगे 5 रुपया कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, 5 रुपये का जो कॉइन्स है 2004 वाला, तो दोस्तों 2004 वाला 5 रुपया कलकत्ता मिन का जो कॉइन्स है, ये भी दोस्तों आज की डेट में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का है। तो दोस्तों, ऐसा वाला जो कॉइन्स है, ऐसा वाला कॉइन्स को भी डाला गया था 1992 से लेकर 2004 तक। और दोस्तों, 2004 में ऐसा 5 रुपया कॉइन्स को भारत का 3 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। नोएडा मिंट से ऐसा वाला कॉइन्स 2004 में नहीं आया था, सिर्फ 3 ही मिंट से आया था। तो आज बात करेंगे 2004 वाला जो कलकत्ता मिंट का कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में। तो अगर आप लोगों के पास भी 2004 वाला कलकत्ता मिंट का ये 5 रुपये का कॉइन्स है, तो जानिए इस कॉइन्स का प्राइस आज की डेट में क्या है। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का मेटल की बात करें तो ये दोस्तों कॉपर निकल मेटल है, वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, सेव है सर्कुलर। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का प्राइस ये जो कलकत्ता मिंट का है, आज की डेट में प्राइस ये 100 से 500 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, UNC कंडीशन में ये आपको 500 रुपये तक दिला सकता है। फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 500 रुपीज़। 2004 कलकत्ता मिंट कॉइन्स का प्राइस ये 5 रुपये का। तो दोस्तों, 2004 का 2 रुपये का कॉइन्स हो या 5 रुपये का कॉइन्स हो, कलकत्ता मिन का दोस्तों महंगा कॉइन्स है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कॉइन्स है आप लोगों के पास, ये मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, 2 रुपये का है या 5 रुपये का है, और दोस्तों कौन सा मिन का है। तो दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं नोट एंड कॉइन्स के बारे में आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।